भाई मौसम हो रहा है एकदम बढ़िया, और हमारे सामने खड़ी है मिटियोर 350, रॉयल इनफील्ड मिटियोर 350। और भाई इसी के बारे में आज थोड़ा सा बात करेंगे। और ये मेरे पास है पिछले 6 महीने से, तो 6 महीने इस बाइक को हो चुके हैं मुझे ख़रीदे हुए, तो आज इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यार कुछ टेक्निकल स्पेक्स के बोलो तो 350 cc का इंजन है, और फिर 20 bhp की पावर है एट आई थिंक अराउंड 4100 rpm, या शायद 60,000 rpm पे, और दे दी 27 Nm का टॉर्क एट 4000 rpm। तो भाई ये है कुछ ऐसा कुछ लुक, और वॉक अराउंड में आप देख सकते हो। तो यार ये एसेसरीज़ का पार्ट है जो अभी आप ये लेग गार्ड देख रहे हो, ये है एसेसरीज़ का पार्ट, और डुअल चैनल ABS वगैरह तो इसमें इन है ही है। तो भाई इसमें आते हैं पूरे चार मॉडल्स, चार में है एक बेस है। तो ये वाला जो हमारे पास है, ये है हमारे पास सेकंड टॉप, मतलब टॉप और ये, और इसमें और सेकंड टॉप में है सिर्फ 10,000 rupees का फ़र्क। भाई पेंट की क्वालिटी कुछ ऐसी है आप देख सकते हो, और ये हमारा डिजिटल मीटर आ चुका है इसमें, और इसमें वो इसमें भाई फ्यूल वगैरह भी शो करता है, अपनी क्लासिक में शो नहीं करता है वैसे फ्यूल वगैरह। तो भाई ये है कुछ ऐसा लुक, और हमारे पास है स्टेलर ब्लू कलर। तो भाई ये बेस्ट कलर है, अभी आपको थोड़ा सा हल्का हल्का ब्लैक लगेगा, रात में भाई ब्लैक दिखता है और दिन में हमें दिखेगा ब्लू ही है। और तो भाई इसका रिव्यू तो भाई 6 महीने हो चुके हैं, और ये सबसे पहले बात करते हैं माइलेज की। तो भाई माइलेज ये देती है कुछ 32 और 35 के बीच में। तो भाई 35 kmpl की माइलेज देती है, ठीक है चलता है भाई, अगर हाथी पाला तो फिर तो करना ही पड़ेगा। और सीटिंग की बात करूँ तो भाई ये वाला ये बैकरेस्ट इसमें इनबिल्ट आता है, क्योंकि ये सेकंड टॉप मॉडल है, बेस मॉडल में शायद नहीं आता ये वाला। तो भाई इसके लगने से यहाँ पे सिर्फ दो ही बंदे बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, तीन बंदे तो भाई बिल्कुल नहीं बैठ सकते, एक बंदे को आगे सीट पे बैठना पड़ेगा वरना, तो भाई दो बंदे ही बैठ सकते हैं। और यंगस्टर्स के लिए भी बढ़िया बाइक है भाई एकदम। और इसका वेट है कुछ, ग्रॉस वेट की बात करूँ तो 191 kgs इसका वेट है। और भाई इसमें ये सेकंड टॉप मॉडल, तो इसके अंदर आप देख सकते हो क्रोम इंसर्ट्स हैं ये वाले, वरना ये सब सिर्फ ये पेंट में मिलेंगे आपको बेस मॉडल्स में। और भाई इसकी बेस्ट जो मुझे लगता है वो है इसका मीटर। तो भाई अभी चाबी ला के मैं दिखाता हूँ, भाई रात में एकदम बढ़िया दिखता है ये, और इसका काफ़ी एक्यूरेट है, इसका फ्यूल मीटर भी एक्यूरेट है। तो भाई ये खड़ी हुई थोड़ा ज़्यादा फ्यूल दिखाती है, अभी अगर सीधा करेंगे तो फ्यूल ही यहाँ के आसपास दिखाएगी। तो ये तो भाई इनका रॉयल इनफील्ड का पहले से ही है कि इनका फ्यूल मीटर कभी भी एक्यूरेट होते नहीं है, कोई इशू नहीं है। और स्टार्ट करके भी अभी थोड़ी देर में दिखाते हैं। तो भाई इसके अंदर आपने क्रोम वाले ये, और फ्यूल टैंक है 14 लीटर्स का, और इंजन गार्ड वगैरह हमने लगवा नहीं रखा। और भाई इसे गियर शिफ्ट होते हैं बहुत ही स्मूथ, भाई इतने गियर शिफ्ट मैंने नहीं देखे, मुझे 6 महीने हो गए हैं इसको चलाते हुए। बेस्ट गियर शिफ्ट भाई एकदम स्मूथ, मतलब जहाँ से उठी है किस में जा रही है एकदम समझ में आता है कि कम, मतलब कॉन्फिडेंस फील होता है। और ये भाई उसका कुछ साइलेंसर, तो भाई अभी स्टॉक साइलेंसर ही है हमारे पास अभी तक। भाई साइलेंसर कुछ ऐसा है, साइलेंसर मेरे हिसाब से अच्छा है, नो इश्यूज विद साइलेंसर, और उसकी साउंड भी ठीक है स्टॉक साइलेंसर के साथ भी ओके। और भाई कुछ ऐसे मिरर्स मिलते हैं क्लासिक वगैरह में ऐसे हैं। और जो मेन प्रॉब्लम रहती है रॉयल इनफील्ड की बाइक के साथ कि भाई वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो भाई इसके साथ ऐसा नहीं है। आप उसमें क्लासिक में देखोगे कि आपके जो मिरर्स हैं आपको पीछे कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं कि पीछे का आपको कुछ दिखता ही नहीं, तो प्रैक्टिकली यूज़लेस है क्लासिक के अंदर ये। तो भाई इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर आपको बिल्कुल कम वाइब्रेशंस मिलेंगी, और ये मिरर्स आपके बहुत ही अच्छे काम करते हैं पीछे, और अच्छी विजिबिलिटी भी देते हैं। और भाई इस बाइक के लुक पे तो ये अच्छे लगते ही है। भाई हल्का हल्का हार्ली डेविडसन जैसे इसका लुक आता है, अगर आप ये बैकरेस्ट हटा दो तो एक हार्ली डेविडसन की एक बाइक है उसके जैसा इसका थोड़ा सा लुक आता है। और भाई इसके अंदर सेफ्टी फीचर में ये भी है, सेफ्टी फीचर में भाई ये भी आता है कि ये इसके अंदर स्टैंड लगा रहेगा तो गियर मिल नहीं जाएगी, ये कुछ कुछ सेफ्टी फीचर है। और इसके अंदर आता है डुअल चैनल ABS, तो भाई ये बहुत ही अच्छा फीचर है, मैंने खुद अपने पर्सनली मैंने ABS टेस्ट किया इसका, भाई बहुत ही अच्छा काम करता है, कभी भी स्किड होने नहीं देगा भाई एकदम, ABS तो इसका एक नंबर है ओके। और भाई ये है कुछ टायर सेक्शन, और बाइबर के हमारे पास डिस्क ब्रेक्स है, और डुअल चैनल ABS है, ये तो स्टैंडर्ड है ही है ओके। तो भाई चाबी कुछ ऐसी दिखती है, चाबी अगर आपको देखनी हो तो कुछ ऐसी दिखेगी चाबी ओके।
और भाई इसका इसका एसेसरीज़ में और भाई इंडिकेटर्स इसके एसेसरीज़ में आते हैं। मैंने हेलोजन है, ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन है, और इसके अंदर एक DRL भी है यहाँ पे, जलती है दिन में, अभी भी दिखेगी जलती ही। तो भाई ऐसे है, अभी रात तो कम दिख रही है पर जलती दिखती है। तो भाई इसको कंफर्ट के मामले में मैं लूँगा। और भाई आप आराम से आप इसके ऊपर राइड कर सकते हो, आराम से 50-60 किलोमीटर जितना भी आराम से आप राइड कर सकते हो। भाई मेरे साथ मेरा दोस्त गया था, सिर्फ 23 किलोमीटर ही। भाई बहुत अनकंफर्टेबल है, क्लासिक से तो बहुत ज़्यादा अपग्रेड है ये, क्लासिक भाई बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। ओके, और पहली सर्विस का कॉस्ट मैं अगर बताऊँ तो भाई मेरी कॉस्ट आई थी अराउंड 500 कुछ आई थी फर्स्ट सर्विस पे। फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट मैं लिख दूंगा और सेकंड सर्विस की कॉस्ट भी आपको ऊपर दिख जाएगी। तो भाई इसकी दो ही सर्विस हुई है अभी तक, और किलोमीटर्स ड्रिवन एक बार फिर से देख लेते हैं यार, यहीं पे लिखा होगा। तो भाई ये कुछ हज़ार, तो ये भाई कुछ 5-6 हज़ार किलोमीटर्स के आसपास चली। और भाई गियर इंडिकेटर भी यहाँ पर आता है और टाइम भी आता है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 160 है पर ये जाती सिर्फ 120 तक ही है। और भाई राइड क्वालिटी की तो बात ही, तो राइड क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी इसकी। और अभी भाई साइलेंसर की एक बार मैं साउंड आपको सुनाता हूँ। अभी आप देखो, अभी ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी। अगर मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूँ तो बाइक भाई स्टार्ट नहीं होगी। भाई क्योंकि स्टैंड लगा हुआ है, अभी मैं स्टैंड ऊपर कर दूँगा तो बाइक स्टार्ट होगी। भाई इसको डालते हैं न्यूट्रल में और छोड़ते हैं क्लच, फिर उसके बाद अभी सुनते हैं इसकी एग्जॉस्ट नोट। भाई ये कुछ ऐसे ऐसी आवाज़ निकालता, भाई कुछ ऐसे आवाज़ आती है इसकी। तो भाई मुझे तो साइलेंसर की आवाज़ बहुत ही अच्छी लगी, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो भाई कैसा लगा रिव्यू मुझे एक बार कमेंट करके बताओ। और हाँ, इसमें यार ये वाले स्विचेस भी एक्स्ट्रा हैं, ये स्विच अपग्रेड हुए हैं पिछले वाले मॉडल से, 2022 से 2023 में ये मॉडल्स ये स्विचेस वगैरह अपग्रेड कर दिए हैं रॉयल इनफील्ड ने। ओके भाई, यही था हमारा रिव्यू। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और भी कोई भी क्वेरीज हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मुझे ये वैसे ऑन रोड पड़ी थी, प्राइस इसका था कुछ 2,56,000 आई थिंक था। तो भाई अराउंड 3 लाख के आसपास पड़ जाएगी अगर आप एसेसरीज़ वगैरह शोरूम से ही लगवाओगे तो। और शोरूम्स में एसेसरीज़ महंगी है पर आई थिंक ओरिजिनल है। तो भाई जो मेन चीज़ है वो आप शोरूम से लगवा सकते हो और बाकी पार्ट्स आप बाहर से भी लगवा सकते हो। तो भाई यही था हमारा रिव्यू, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।